करेंगे योग रहेंगे निरोग, और कोरोना काल में ये बात सार्थक साबित हुई है। और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को औपचारिकता के तौर पर नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरे देश में एक उत्सव का रूप अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ले चुका है। जगह जगह जो योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी कड़ी में हम प्रथला पहुंचे हैं, जहां विधायक नैनपाल रावत जी ने अपने क्षेत्रवासियों के साथ यहां पर योगाभ्यास किया है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, पीएम मोदी का संबोधन सबने सुना। कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ वो था आयुर्वेद और योग, किस तरह से भारत के योग का डंका विश्व में बजा है? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी की सरकार जब से इस देश में बनी है, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, योग दुनिया का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन गया है। इस देश के इस योग को दुनिया के बहुत सारे देशों ने माना है, इसका अनुसरण किया है, और मैं समझता हूँ कि योग और योग साधना से बहुत सारी बीमारियों से और इवन कोरोना जैसे काल में कोरोना से बचने का भी एक ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है और शक्ति है। और इसीलिए हमारी सरकार भी कहती है कि करो योग, रहो निरोग। सर, योग को प्राथमिकता देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है, गांव में व्यायाम शालाएं भी खोली गई हैं, लेकिन बहुत जगह अभी भी वो व्यायाम शालाएं जो हैं क्रियान्वित नहीं हो चुकी है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए किस तरह से प्रयास करेंगे? निश्चित तौर पर जो गांवों में स्टेडियम बनाए गए हैं, योगशालाएँ व्यायामशालाएँ बनाई गई हैं, उनमें अभी साधकों की साधनों की कमी है। और जब ये चीज़ें नहीं थी, अभी हमारी सरकार ने इनको बनाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर सभी में जो भी ट्यूटर इंस्ट्रक्टर जो भी चीज़ों की साधन की जरूरत पड़ेगी वो पूरे किए जाएंगे। सर, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? कोरोना काल में आप जनता के बीच में भी गए और अपने स्वजन भी आपने देखे, कोरोना काल में योग ने किस तरह से तन के साथ साथ मन को हील किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि योग अपने आप में एक बूटी है, जड़ी है, ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता देता है, शरीर के सारे अंगों को हमारे को मजबूत करता है। तो कोरोना काल में भी योग का और महत्व बढ़ा है, क्योंकि दवाइयों से जब कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता, अपने आप को फिट रखने के लिए योग एक बहुत बड़ा साधन और साधन है। सर, पीएम मोदी ने संबोधन दिया और योग के बहुत सारे उन्होंने महत्व बताए, ऐसे में जो ऐप जो लॉन्च करने जा रही है उससे कितना लाभ मिलेगा, जो योगा ऐप जिसका लाभ लोग उठा पाएंगे? देखिए, देश और दुनिया के बहुत सारे देशों में दुनिया के बहुत सारे देश इस ऐप को अपनाएंगे, और अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें इस ऐप को प्रचारित किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा, जिसको बहुत सारे देश पहले ही इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको उसको सीखने में समझने में बहुत आसानी रहेगी। सर, शहरी क्षेत्र में योग अब लोगों ने अपना हिस्सा जीवन का बना लिया है, ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात करें तो अभी भी लोगों में योग उतना अधिक प्रचलित नहीं है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर अपनी विधानसभा से किस तरह से शुरुआत करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहर में तो इसका प्रचारण अबुआ होगा, गाँवों में हमारे जो टीचर हैं, चाहे वो संस्कृत के टीचर हों या और टीचर हों, और शुरू से सरकारी स्कूलों में भी एक प्रकार से जब पीटी की जाती थी तो उस समय भी योग उसमें काफ़ी तौर पर शामिल था, तो गांवों के जो लोग हैं बहुत सजग हैं और पहले से ही वो जो ना इस योग की क्रिया को करते आए हैं, समझते आए हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ BDPO उपमा जी यहाँ पर मौजूद हैं प्रथला क्षेत्र की। मैम, प्रशासनिक स्तर पर योग का प्रचार हो, प्रसार हो, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, सरकार की नीतियों को योग से संबंधित किस तरह से लोगों के बीच में ले जा रहे हैं? योगा के लिए हम अपने पूरे स्टाफ के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, ये एक सिंबॉलिक है कि लोगों के बीच में योगा का संदेश देने के लिए इसे हमें अपने रोज़मर्रा का जीवन का अंग बनाना चाहिए। और कोरोना काल में तो ये बात और अधिक सिद्ध हो गई है कि बहुत से लोग तो होम आइसोलेट रहकर योगचर्या को अपना कर जो है वो ठीक हुए हैं, तो योगा को अपने हर दिन का जो है वो अंग बनाते हुए हम इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को। मैं जरूर चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो फील्ड में अफसर थे कोरोना काल में, लोगों की जान जा रही थी लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर डटे हुए थे, तो ऐसे में योग का कितना महत्व उनके लिए रहा और योग उनकी दिनचर्या का कैसे हिस्सा रहा जिससे वो जनता की सेवा भी कर पाए और अपने को स्वस्थ भी रख पाए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम अपने योगा जो है हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और बहुत से 80% में ऐसा मानूंगी कि 80% ऐसे लोग हैं जो घर पर रहकर ही जो योगा को अपनाते थे और वो ठीक हुए हैं, 20% लोग ही हैं जिन्हें हॉस्पिटल
जाने की जरूरत पड़ी थी, तो इसे हमें अपने रोजमर्रा का अंग बनाना चाहिए। तो देखिए, पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है और योगा के जरिए न केवल जो है सेहतमंद रहा जा सकता है, तन के साथ साथ योगा मन को भी स्वस्थ रखता है। यही कारण है कि अब हर व्यक्ति योगा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।